जय हिंद दोस्तों, आप सभी का अपने YouTube चैनल पे स्वागत है। तो आज हम स्क्वायर की ट्रिक लेके आए हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं, जो मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चंस में हमारा स्क्वायर का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, वो आप याद भी करते हैं, आपको याद होते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि एग्ज़ाम में क्वेश्चन करते वक्त आपके स्क्वायर याद नहीं आ रहा है। तो आप उस समय पर क्या करें, तो आप इन ट्रिक्स का यूज़ करके विद इन अ सेकेंड, एक दो सेकेंड में मात्र इनका स्क्वायर निकाल सकते हैं। तो चलिए ट्रिक्स की ओर चलते हैं। जैसे कि हम सबसे पहले लेंगे एक से लेकर 99 तक, 1 to 99 तक के जितने भी नंबर्स हैं उनका स्क्वायर इस ट्रिक से हम निकाल सकते हैं। ऐसी एक यूनिवर्सल ट्रिक मैं आपको बताने वाला हूं, ठीक है, वो आप इन पे लगा सकते हैं। जैसे मैंने लिख लिया 28 और इसका मुझको क्या करना है, स्क्वायर करना है। 28 का मुझे स्क्वायर करना है, मेरे याद नहीं है, मैं भूल गया। तो आप क्या करेंगे, देखे सबसे पहले इसका स्क्वायर करो 8 का, 8 64, फिर इसके बाद इनकी आपस में कर दो मल्टीप्लाई, 8 2 16 और उसका कर दो डबल, 16 2 32, एक अंक छोड़ के लिख दो ऊपर, एक अंक छोड़ के ऊपर लिख दो। अब आगे क्या करना है, जो बाद वाली डिजिट है ना, 2 बचा, इसका करना है स्क्वायर, 2 2 4, इसको लिख दिया मैंने 04। अब कुछ नहीं करना, इनको जोड़ दो, 4 6 2 8 और 4 3 7, 784 आपका आंसर आ गया। यही स्क्वायर है, आप कैलकुलेट करके देख सकते हैं कहीं भी। इसी तरीके से यदि मैंने कहा क्या 84 का यदि मुझे स्क्वायर निकालना हो, आप कहेंगे सर बड़े नंबर का भी बताओ, तो 84 का ले लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना होगा, 4 का 4 चौक 16 और अब देखो क्या करना होगा, इनकी आपस में करनी होगी मल्टीप्लाई, 8 चौक 32 और 32 दूनी हो गया आपका 64, ठीक है। एक डिजिट छोड़ के लिख दो 64। अब क्या करना होगा, नेक्स्ट वाले नंबर का आपको स्क्वायर करना होगा, 8 8 64, इनको क्या कर दो, जोड़ दो, 6 4 और 1 5 6 4 10 और 6 और 1 7, 7056 आपका आंसर आ जाएगा। इस तरीके से आप किसी भी नंबर पे इसको अप्लाई कर सकते हैं, आपको पता लग जाएगा, बहुत आसानी से हो जाएगा। लेकिन एक ट्रिक और बताते हैं, जैसे मैंने कहा किसी भी नंबर के लास्ट में 5 आ रहा है, जैसे 15 आ रहा है, क्या आ रहा है 15, लास्ट में 5 आ रहा है, आप उसे और भी ज्यादा आसानी से कर सकते हैं। कैसे, इसका मुझे स्क्वायर करना है, दुनिया में जितने भी नंबर्स हैं जिनके लास्ट में 5 आ रहा है उसके स्क्वायर में 25 आएगा ही आएगा, आपको 25 लिखना ही लिखना है, आएगा ही आएगा, ठीक है। उसके बाद जो रिमेनिंग नंबर है ना एक, उससे नेक्स्ट नंबर में उसकी मल्टीप्लाई कर देनी है। एक से अगला नंबर होता है 2 2 1 2 225 15 का स्क्वायर होता है, आप सभी जानते हैं। क्या बड़े नंबर का भी इससे निकल सकता है, जी बिल्कुल निकल सकता है, देखो 105 3 डिजिट का भी आप इससे निकाल सकते हैं। देखो क्या करना है, 25 लिख देना है, स्क्वायर कर रहे हैं 25 लिख देना है। उसके बाद क्या मैंने बताया, इसको छोड़ दो, इसके बाद का जो नंबर बचा उससे नेक्स्ट नंबर से आपको मल्टीप्लाई कर देनी है, 10 की गुना यदि आप 11 में करेंगे तो आएगा 110, 110025 इसका आंसर आ जाएगा। आप चेक कर सकते हैं, दूसरे नंबर पे आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। 75 और 95 का आप मुझे कमेंट में बताएंगे क्या आएगा, इसका नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। तो आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इस तरीके की वीडियो के साथ हम फिर मिलेंगे, धन्यवाद।